गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को अभियान चलाते हुए बिना पार्किंग के दुकानों तथा अतिक्रमण पर कार्यवाही की, जिसके तहत बेतिहाता से पैडलगंज चौराहे तक सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटवाया और बेसमेंट में दुकान खोलने वालों को चेतावनी दी कि इस दौरान बिना नक्शे के बनाई गई कॉम्प्लेक्सों हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई की गई और दुकानों को कराया बंद। इस मौके पर जीडीए और अभियंता ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द कॉम्प्लेक्सों व हॉस्पिटलों का नक्शा जीडीए से नहीं बनवाया गया तो बिना नक्शे के चल रहे कॉम्प्लेक्सों हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय दुकानदारों ने जीडीए पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए स्थानीय दुकानदारों एवं जीडीए के अभियंता ने कहा, जब तक नक्शा नहीं आ रहा खुले अपने मालिक से नक्शा लाके जमा करें, नक्शा लगा जमा करें, दिखाई पार्किंग कहाँ पे है, किसका कॉम्प्लेक्स है, कौन मालिक है इसके, दुकान वाले हैं, इसके मालिक कौन है भाई साहब, कौन है जी डी एस क्या हुआ पूरा जाम लगे यहाँ पे बोले बता सीन करने को सब चीजें फिर आपको प्रॉब्लम होगी बताइएगा हमको बिल्डिंग जान रहे हैं, मालिक तो नहीं जाता, आप बिल्डिंग सील करेंगे मालिक भाग वाला आएगा खुलेगी नहीं कोई दुकानें जब तक नक्शा नहीं आता इसका हमारी मालिक की जिम्मेदारी नहीं है, हम दुकान सील करने की जिम्मेदारी रखते हैं, हम किसी को भूलने नहीं जाएंगे। अब आप कैसा करिए, आपको बनाई उद्योग करना है, आप कहना है आप करो। कह रहे पार्किंग, जबकि पार्किंग है आगे मेरे 15-20 फीट की पार्किंग है, ऑलरेडी है, तभी वे पार्किंग कह रहे हैं, पार्किंग आगे बनवाइए तब दुकानें खुलेंगी। जब बिल्डिंग नक्शा पास हो रहा था तब जीडीए कहाँ गया था, आगे जीडीए के नक्शा पास कराया तभी तो दुकानें बनी हुई हैं, बिना कैसे तो वहाँ जो जो आगे उस समय का अधिकारी रहे होंगे वो आँख बंद करके यहाँ से जाते रहे होंगे इस शहर में थे क्या जब बिल्डिंग बन रहा था तब। इसमें सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था जो प्राधिकरण से नक्शा पास कराया पार्किंग स्वीकृत कराई है, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में दुकानें खोलने बजाय पार्किंग करने से बजाय रैंप को सीढ़ी में चेंज करके और पार्किंग दुकानें शुरू की जा रही हैं, जिससे जो है सारी गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं, ऐसे आम जहाँ रोड की जाम होता है परेशानी होती है। अगर ये पार्किंग नहीं डेवलप करेंगे तो इनका सबको सील कर दिया जाएगा। नहीं नहीं अमल होना है, हम लोग करा रहे हैं लगातार इसे अभियान चला रहे हैं, है ना, कई लोग जो है खाली डेवलप भी कर रहे हैं पार्किंग। अभी एक तरफ से हम लोग पैडलगंज से यहाँ तक जितना जो है छात्रगंज चौराहे से लगा के यहाँ तक जितने हॉस्पिटल हैं सबको स्पेशली चेक किया जा रहा है, उनका नक्शा पास है, कितनी पार्किंग है, कितनी उन्होंने जो है कवर कर रखी है, किसकी उपयोगी है नहीं है उसको उपयोगी कराया जा रहा है।